अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हमारी सुबह है वो बहुत लेट हुई, वो हुई समवेयर अराउंड 5:30 PM, दैट इज बिकॉज वी स्लेप्ट अराउंड 9। सो सबकी तबीयत अभी तक बहुत खराब है। मैंने निया से पूछा, मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट करूं भाई, बिकॉज मैंने कफ कोल्ड सिरप दे दिया, न्यूब्रोल फोर्ट दे दी। मैंने कहा यार इतनी बेसिक ट्रीटमेंट इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो मैंने निया को बोला कि कुछ ट्रीटमेंट बताओ, बेसिक ट्रीटमेंट तो मैंने कर दी, इससे ज्यादा तो मुझे ट्रीटमेंट आती नहीं। तो मैंने कहा आप कोई एडवांस ट्रीटमेंट बता दो, बिकॉज ऐसे तो ये लोग ठीक होंगे नहीं। सो फिर उसने दवाइयां रिकमेंड की एंड स्टफ, फिर उम्र लेके आया, फिर अभी भी थोड़े से रिलेटिवली बेहतर हो रहे हैं एंड रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, बट तो आ करें यार तबीयत ठीक हो जाए, बिकॉज डैडी बहुत ज्यादा खांस रहे हैं। आपको वीडियो में आवाज भी आ रही होगी, भाई डैडी बैठे हुए हैं और डैडी खांस रहे हैं, अम्मा भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। सो आई रियली 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 होप कि इनकी तबीयत जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं 2 दिन से सेम कपड़ों में हूँ और मेरे उजड़े हुए बाल लग रहे हैं और मेरी गंदी शक्ल लग रही है, क्योंकि मैं इतना गंदा कभी हुआ नहीं हूँ। लाइक मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कि मैंने कब 2 दिन तक सेम कपड़े पहने थे। इट्स नॉट बिकॉज मैं सेम कपड़े नहीं पहनता, इट्स बिकॉज आई जस्ट रियली लाइक यू नो टेकिंग अ शावर एवरी डे एंड चेंजिंग क्लोथ्स एवरी डे, इट्स जस्ट माई हैबिट। इसमें कोई ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि नहा तो लिया लेकिन कपड़े चेंज नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहाना भी और कपड़े भी चेंज करना ये मेरे लिए बड़ा जरूरी होता है भाई। तो मैंने नहीं किया, आई फील ग्रोस, आई फील वेरी गंदा, आई नीड टू फिक्स इट फ्रॉम टुमारो। ज़ाहिर आज रूटीन इसलिए खराब होगी क्योंकि 8-9 बजे तो हम सुबह के टाइम सोए हैं एंड देन फिर हम उठे ही 5-6 बजे, मैं 5 बजे उठा एंड बाकी सारों को फिर मैंने उठा। मैं कहा भाई जान मगरिब का टाइम होने वाला है, उठ जाएं। आज वैसे सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि अम्मा इज होम एंड फाइनली अम्मा विल बी कुकिंग एंड अम्मा ने आज बनाया है, अम्मा ने बनाया दाल चावल। मैं आपको कसम उठा के बता सकता हूँ कि यार मुझे कभी भी दाल चावल बनने पे ना मुझे खुशी नहीं हुई। मतलब आई एम वन ऑफ द मीट ईटर्स एट होम, तो मुझे दालों का उतना शौक है नहीं, बट आज दाल बनी, आई एम लाइक ओ माय गॉड, अम्मा के हाथ की दाल, ओ माय गॉड। तो मैंने कहा आज तो मैं ये खाऊंगा भाई। मतलब ऑफ कोर्स माय चिकन एंड राइस आर माय स्टेपल, लेकिन भाई मैं तो चावल भी नसीब नहीं हो रहे थे, चावल भी नहीं खा पा रहा था मैं, बिकॉज चिकन एंड रैप चावल अगर कहीं बाहर से मैंने खा लिए तो वो घर ले आए लेफ्ट ओवर्स और वो खा लिए, बट घर पे तो नसीब नहीं हो रहे थे। तो अम्मा के हाथ के चावल, तो भाई उबले हुए चावल एंड दाल, दैट इज इट। कभी जिंदगी में नहीं इतना खुश हुआ मैं। ये क्या हो रहा है? नहीं वीडियो, आपकी वीडियो देखी, अपनी वीडियो देख रही हूँ, तो वो अब इतना याद आ रही है, इतना रोना सा आ रहा है। रोना क्यों आ रहा है? बस ना बहुत अच्छा लग रहा देख देख कर। कौन सी, ये कब लगाई? मैंने तो नहीं देखी। ये भी लगाई है ना हमने, ये वही वाली है। मुझे हम बिजनेस क्लास के लाउंज में बैठे हैं, हमने स्नैक्स ले लिए हैं, ये वही वाली है। बिजनेस क्लास नहीं बोला था, वही है ना वैसे। हाँ, वीडियो वही है। तो वो देख रही हूँ, तो अब दिल चाह रहा है कि बस अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे मैं दोबारा जल्दी से चली जाऊँ। नहीं तो रोते नहीं है। मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा मैंने दाल खानी है, अम्मा हैरान हो गए, अम्मा अम्मा ऐसे सर पकड़ के बैठ गई, दाल खानी है? है? दाल खानी, दाल तो ये नाम ही नहीं सुनना पसंद करता है। आज दाल चावल हमने बनाए तो ये खा रहा था शाम को, मैंने कहा ये क्या पता नहीं खा रहा है, मैंने कहा कि मैं फिर बाद में उसे कह रहा और है, मैंने कहा अब ये थोड़े से, तो कहते इसी में पानी डाल दे थोड़ी दाल में, दाल खत्म, मैंने कहा हो गई तो उसी में थोड़ा सा पानी डाल दे और चिकन चावल के साथ खा लूंगा और वो वाला मैं खाऊंगा, क्योंकि इतने दिन से मैं तरसा हुआ हूँ घर के खाने के लिए। सही बात है, बाजार का खाना खा रहा था जो वो नहीं है, चिकन मैरिनेट करके गई थी वो, मतलब वो ब्रेड क्रम्स लगा के बस वो करता, चिकन एयर फ्राई। चावल भी वायर से खा रहा था मैं, वायर जैसे जब मैं नैंडोज वगैरह गया ना पेपीज चला गया तो वहां से जो चावल बच गए वो ले आया घर पे, तो नसीब नहीं हो रहे थे मुझे। उबले हुए चावल की खुशी हो रही भाई, उबले हुए चावलों की, कभी मैंने जिंदगी में खाए। हमने मैंने थोड़ा सा सूप स्टाइल की बनाया, उसको थोड़ा सा पतला रखा तो मैंने उसको वैसे ही चम्मच के साथ पिया, बड़ा ही मजा आया, गला भी साफ हो गया और वो इनके डैडी को भी दिया, उनको भी दाल बड़ी अच्छी लगी, कोई मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं डाले, बस लाइट से उसको रखा तो वो खाने का इतना मजा आया, बहुत ही मजा आया। आज तो डैडी मुझे कहते हैं कि वो मुझे ना कॉफी बना दो, एक मिनट, शायद चाय बोलना हो आपने, फिर मैंने कहा सॉरी व्हाट, कहते कॉफी बना दो, मैंने कहा अच्छा नाइस, मतलब अडेप्ट कर रहे हैं, तो मैंने फिर कॉफ़ी बना के दी, फिर मुझे समझ आया अच्छा हो, मैंने कहा वो गले में खराश हो रही होगी ना तो इसलिए, तो फिर मैंने अमेरिकानो बना के दी, मुझे कहते हैं बहुत कड़वी है भाई इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, तो फिर मैंने गर्म पानी डाला एंड फिर सूदिंग उनका गला थोड़ा सा बेहतर हुआ। बट आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि इन दोनों की तबीयत ठीक हो जाए, हमना की तो बेहतर होगी, मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है, डैडी की तो आवाज़ आ रही है बाहर, और अभी तक आपको आवाज़ आ रही होगी, और बस मैं यही दुआ कर रही थी अपनी, बहुत ज़्यादा देख रही थी तो रोना नहीं रुक रहा था। क्या हुआ? बस ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला आपके जैसा बेटा और अनिया की जैसी बहू दे सबको, कि उन्होंने हमें इतने प्यार से भेजा और अब हम जल्दी जल्दी हज भी करें और अल्लाह इतनी हिम्मत ताकत भी। तो नीदत रोते थोड़ी है, नीदत नीदत
क्या हो गया? बस वो ज्यादा सब चीजें देख रही थी ना तो दिल उदास हो गया। रोते नहीं बड़ी जगह से होके आ गए, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया, बस अल्लाह कबूल कर ले आप लोग भी जाए। यार हमारी अम्मा ना बड़ी इमोशनल है और अभी तो कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल हो गए हैं, तो अम्मा ना जज्बात में बिल्कुल बह गई हैं अपनी पुरानी वीडियोस देख के, और ये वाली अम्मा पूरी अभी ना पिछले एक घंटे से वीडियोस देख रही हैं, और ये अभी अभी शी क्राइड अगेन, सो शी ऑल्सो क्राइड अबाउट लाइक 30 मिनट्स अगो वॉचिंग द वीडियो। सो हमारी मम्मी बहुत इमोशनल है यार। वो देख के इतना अच्छा लग रहा था कि हम भी इतने खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी ज्यारतें कर आए हैं, ऐसे मुकाम पर होके आए, अल्लाह के घर से होके आए, नबी के घर से होके आए, तो अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे और बस जितनी भी जल्दी हो सके जाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये हसरत नहीं रहनी चाहिए, अल्लाह ताला पूरी कर दे सबकी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को तौफीक दे वो ये सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए सोचें, तो अल्लाह ताला पता नहीं उनके कितने रास्ते खोलेगा, कितने रास्ते उनके लिए आसान होंगे, क्योंकि हर कदम पे एक सेकंड में ना दुआ निकलती है कि जैसे आपके बच्चों ने आपके लिए इतना प्यार से आपको भेजा है तो बहुत दुआएं निकलती है। नेक्स्ट मिशन हज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खानों को खाना ऐसे वॉक पे वॉक हो रही थी, किचन में बैठे हुए थे, खाना जैसे दिया गायब हो गए, मतलब ही है ना मानो, मतलब बक्कू प्यार करता है सिर्फ, बक्कू बेचारे को खाना कब से मैं निकाल के रखा है, उसको दो खाना और मैं देता हूँ। प्रोनो का मील रेडी है, तो जी प्रोनो का खाना डालें। अम्मा मैं जैद के घर जा रहा हूँ, मुझे बताओ कि वो खजूरें वगैरह फिर अभी दो या बाद में? कल दे देना ना। अभी नहीं, कल वो जिप लॉक और वो दूसरे जो बॉटल्स वगैरह तो ले आओ ना, एक साथ ही दे देना। तो आप भी जमजम की बॉटल्स वहाँ से नहीं लेके आते? नहीं नहीं, अच्छा बॉटल यहाँ से होती है मुझे नहीं पता था ना, फिर मैं कल बॉटल ले आऊंगा, फिर बैग्स भी ले आऊंगा। हाँ, तो बैग्स भी वहीं से ले आती तो अच्छा था, है ना। मुझे साजिद की भी कॉल आती है तो भाई जान हमारी खजूरें निकालो। हाँ, हमारे बेटे साहब कह रहे हैं कि बॉटल वहाँ से क्यों लेके आए। अच्छा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा चलो ठीक, तुम्हारे दाल चावल जो दाल में पानी डाल के मैंने रखा है ना वो आ खा लेना। अच्छा कभी नहीं तरसा यार दाल चावल के लिए इतना। जरा गली के कुत्तों को खाना देने का टाइम हो गया है, उनको भी दे देते हैं। ओए गुड बॉय पेच, गुड बॉय, गुड बॉय। खाना थोड़ा सा कम पड़ गया तो अब दूसरा बैग खोलते हैं, बिकॉज सिर्फ एक कुत्ते के लिए खाना नहीं होता, मैं रात के टाइम अक्सर ना आके देखता हूँ। सो तकरीबन कोई 9, 10, 11, 12 कुत्ते आके खा रहे होते हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं खाना डालता हूँ। बट यार इतना अच्छा फील होता है ना कि 10-12 कुत्ते लिटरली अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है उनको खाना डालने का, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सदका जारी है ना। मैं अक्सर बात करता हूँ, अक्सर लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, बट यार दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सदका जारी है। आप एक बेजुबान जानवर को खाना खिला रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि जो लिटरली ढूंढ भी नहीं सकता, जिसको कभी कभी खाना नहीं भी मिलता, वो खाना खा रहा है यार आपकी वजह से। तो जी कुछ 4 जगहों में मैंने बुफे डाल दिए इन लोगों का, एक ये रहा, एक ये यहाँ पे खा रहा है और 2 वहाँ पे। अच्छा गाइज अगर आप लोगों को अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो प्लीज़ जरूरी नहीं है कि आपने डॉग फूड ही देना है, आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, आपके घर में खाना बचा हुआ है कुछ भी है, बट येस प्लीज़ मेक श्योर कि आप चॉकलेट ना दें, अंगूर ना दें, मशरूम्स ना दें, कुछ ऐसी चीज़ें गूगल कर लीजिएगा बेसिक सी जो कुत्तों के लिए होती हैं टॉक्सिक, तो उनके अलावा आप कुछ भी कुत्तों को दे सकते हैं, उनको सिर्फ पेट भरना है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको बेसिक न्यूट्रिशन सिर्फ खाना मिलना चाहिए, तो आप कुछ भी दे सकते हैं बट प्लीज़ दें। थोड़ी देर के लिए मैं आ गया जैद के घर, थोड़ी देर के लिए। क्या हाल है साजिद भाई को हमने कॉल नहीं की क्योंकि वो रात के बजे आते हैं 3, तो उनकी वजह से होते हैं हम लेट। हमने कहा कि नहीं भाई हम अपना सीन करते हैं अभी, तो वैसे देखेगा व्लॉग तो वैसे भी नहीं देखता मेरे यार, व्लॉग देखता है यूट्यूब में, एक ये चीज़ है यार हम लोग कोई चीज़ें बच नहीं सकते, अब हमें गोलियां चेंज करनी पड़ेंगी। अच्छा मसला पता है कि आप अब किसी को टोपी नहीं करा सकते, पहले ही होता था कि मैं लोगों को ना टोपी करा देता था कि अच्छा यार वो मैं बड़ा बिजी हूँ आज, मुझे ये काम है ये काम, अब सबको पता है कि क्या काम है, क्या कर रहा हूँ, किधर गया था, यार फंस जाते हैं यार। ये यूट्यूब का बड़ा मसला है, मैं भी नया नया फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम। जैद मुझे कहता है कि यार मुझे लग रहा है मेरा ना वेट बढ़ा है, नहीं पेट पे जरा हाथ लगाया, मैंने कहा ये वाकई ये हो सकता है कि मैंने भी खाना खाया, मैं ये बता रहा सर। देखिए जब खाना आप खाते हैं ना तो वो होती है ब्लोटिंग, लेकिन ये जो आपका मैंने भी पकड़ा ना है ये फैट, लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा।
यार ये कह रहे हैं पेड़ हो जाता है सख्त। मैंने कहा मेरा मुझे स्लिम बंदे का कैसे सख्त होगा, मेरा नरम नरम ही होगा ना। एक मिनट, नहीं पिछले साल तुम बोरिस ब्रूटस को वॉक कराते थे, आज कराते हो? अब नहीं कराता, हाँ कुछ टाइम से थोड़ा मेरा ऑफिस की वजह से चेंज हो गया, ये बात है, ये मैं मानता हूँ, ये सीन है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे यार। अभी मेरे पास तो है ना मेरा दोस्त, मेरा यार, वो ठीक कर देगा। अच्छा मसला पता है क्या, आपके पास अगर वसाइल हो ना तो आप उसको अवेल ही नहीं करते। इसको बोल के थक गया हूं कि भाई प्लीज मेरे साथ जिम चलो जिम चलो जिम चलो। आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम कि मेरे साथ जिम गया था, मेरे साथ गया था लास्ट कोई 2013-14 में। उसके बाद भाई हम कब गए यार? उसके बाद गए नहीं, उसके बाद आप ही गए हो। मैंने कहा लेकिन इंशाल्लाह जाऊंगा लाजमी जिम ज्वाइन करने। मैं उसको खुद ही कुछ दिन पहले बोल रहा था जिम ज्वाइन करेंगे। नहीं नहीं मेरी बात मुझे फिर से ना सुन। नहीं ये आप मुझे पता कितने सालों से बोल रहे हो? 5 साल से तो बोल रहे हैं यार। असल में लाइफ पता है क्या ऑफिस की होती है, किस तरह होता है, बोलो ठीक है। मैं मान ही नहीं सकता मुझे कोई बंदा बोले ना कि यार मेरे पास ना दिन में आधा घंटा नहीं निकला अपने लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मैं पूछूंगा ना टाइम पे टाइम जाया करोगे बैठ के, ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं। लेकिन आधे घंटे की बात नहीं है, बात है उसकी कंसिस्टेंसी की। मैं कभी 8 बजे छुट्टी, कभी 9 बजे, 10-11 कोई बात नहीं, जब टाइम मिले। नहीं हो सकता, ये मार्केट में जिम है, चले जाओ। लेकिन उसमें वही बात है ना, खाने का रूटीन ऑफ हो जाएगा, सब कुछ कोई बात नहीं ऑफ हो जाएगा, कोई बात नहीं क्या अगले दिन फिर प्रायोरिटीज होती है, प्रोडक्टिविटी हिट हो जाती है। तुम समझोगे जब तुम करोगे ना। सर दीज आर एक्सक्यूजेस। बस ठीक है, बॉडी बना ली तुमने, ये डिस्क्रिमिनेट करना था तुम्हें। लेकिन वादा कर भाई, जिम इंशाल्लाह डन हो गया। ओके जी, ओके सर, मिलते हैं इंशाल्लाह। हाफिज़। जमाने में लिए दाल रखी हुई है, एंड ये रही दाल, थोड़ी सी दाल को मैं चावल और चिकन के साथ खा रहा हूँ। आपसे मुलाकात होती अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।